भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में निकाली जा रही विकास यात्रा के चलते बागली विधानसभा के नगर करनावद में रविवार के दिन भगवान कर्णेश्वर महादेव का पूजन कर विकास यात्रा प्रारंभ की गई। विधायक पहाड़ सिंह कन्नौजे, नगर परिषद अध्यक्ष परसराम पाटीदार, उपाध्यक्ष राजेश गोयल, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष राम सोनी, कमल यादव एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विकास यात्रा रथ का भी पूजन कर फीता काट यात्रा को रवाना किया गया। नगर परिषद द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विभिन्न योजनाओं में पात्र हितग्राहियों को दिए गए लाभ के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में सभी अतिथियों द्वारा कलश का पूजन किया गया जिसके पश्चात कन्याओं का पूजन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में स्वागत भाषण देते हुए नगर परिषद अध्यक्ष परसराम पाटीदार ने बताया कि लगभग 16 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को दिए गए हैं। इसी दौरान स्वच्छता प्रहरी एवं स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों का नगर परिषद की ओर से स्वागत किया गया, साथ ही वरिष्ठ नागरिक को भी साल श्रीफल से सम्मानित किया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। भगवान कर्णेश्वर महादेव की नगरी कर्णेश्वर करनावत से हम लोगों ने शिवराज जी की सरकार की विकास यात्रा हमने शुरू की है और लगभग 10-12 गांव पर डे हम लोग यात्रा में रहेंगे। हमको लगभग 400 गांव 20 दिनों में पूरे करना है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे सरकार के द्वारा जनहितैषी योजनाएं जो चालू की है उन योजनाओं का लाभ पूरी तरह जनता को मिल रहा नहीं मिल रहा या हमारे जनता को और क्या ज़रूरत है उस यात्रा में हम लोग वो भी सुनेंगे समझेंगे और हमारे इस जनहिती विकास यात्रा का हम डंका बजाएंगे और हम बताएंगे कि हमारी सरकार और कमलनाथ की सरकार में क्या फर्क है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।